आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मशीन वाली कॉफ़ी। बिना मशीन के आप झटपट से कुछ ही मिनटों में घर पर ही बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक हैंड चॉपर, ये जो सब्जी चॉपर होता है ये वाला चॉपर मैंने ले लिया है। तो यहाँ पर मैं डालूंगी 4-5 बड़े चम्मच चीनी कॉफ़ी बनाने के लिए। ये कुछ ही मिनटों में बन करके तैयार हो जाती है। आपको अगर कॉफ़ी पीने का शौक़ है झाग वाली कॉफ़ी तो आप कुछ ही मिनटों में बना करके तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया 2 चम्मच कॉफ़ी भर करके, 5 चम्मच चीनी, और इसके साथ ही मैं यहाँ पर ले लूँगी 5 टेबल स्पून गर्म पानी। गर्म पानी यानी कि गर्म पानी लेना है आपको, गुनगुना नहीं लेना है, इससे अच्छा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर मैं इसको बंद करके अच्छी तरह से फेंट लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, इसी तरह से हमें और फेंट लेना है। तो यहाँ पर कॉफ़ी हमारी अच्छे से फिट चुकी है। मैं देखिए और फेंट लिया था मैंने, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना कलर चेंज हो गया है और कितनी क्रीमी बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर एक कटोरी में हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कॉफ़ी की रेसिपी आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कैसी बनी। तो अब मैं यहाँ पर मैंने एक कप ले लिया था, इसमें डाल देंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी में चीनी मैंने यहाँ पर पहले से डाल रखी है, तो आप मीठा कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस यहाँ पर ले लिया मैंने गर्म दूध, दूध को डाल दिया, इसको हमने मिक्स कर लेंगे। 1/2 चम्मच चीनी और डाल देंगे इसमें, कॉफ़ी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध के साथ और चीनी को भी घोल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से थोड़ी सी कॉफ़ी और डाल देंगे। तैयार है हमारी झाग वाली कॉफ़ी बन करके, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट सिरप नहीं था, तो मैं थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर ऐसी स्प्रिंकल कर दूँगी। आपके पास अगर चॉकलेट सिरप हो तो आप वो भी डाल करके इस पर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गिलास में निकाल दिया है और आप देख सकते हैं कॉफ़ी पाउडर डाल दिया, इससे भी हल्का फुल्का सा डिज़ाइन बन गया है। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार कॉफ़ी झटपट से आप घर पर बना कर तैयार कर सकते हैं।